करती है कि हे विधो, ये निर्गुण ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समझाए सौदे, गोपियों और विधो की वार्तालाप हो रही होती है, उसी समय एक भौरा कहीं से मंडराते हुए आ जाता है। गोपियां भौरे को लक्ष्य बनाकर पूछती हैं कि हे भौरे, मधुकर माने भौरा, हे भौरे कहीं समझाए सौदे, मैं तुम्हें सौगंध देकर पूछती हूँ, ये कोई हंसी की बात नहीं है। तुम मुझे सच सच बताओ, ये कोई हंसी की बात नहीं है। को है जनक, कौन है जननी, इस निर्गुण ब्रह्मा का पिता कौन है, इसकी माता कौन है, इसकी पत्नी कौन है और इसकी भाषी कौन है, कैसो वरन वेश है कैसो, और इसकी वेशभूषा कैसी है, ये देखने में कैसा लगता है, कि रसमय अभिलाषी, और इसे कौन सा रस सबसे अच्छा लगता है। पाओगे पुन कियो आपनो, जोरे करोगो गासी, हे भौरे यदि तुम सच सच नहीं बताओगे तो दुख के भागीदार बनोगे। सुनत मान हो रहे हो बाबर सूर सवय मति सब मासे, गोपियों की इस तरह की वार्तालाप को सुन करके उद्धव जो है वो मौन हो गए और उनकी बुद्धि भ्रष्ट। लास्ट स्टंजा, संदेशो देवकी सो कहियो, इसका भी संकेत लिखेंगे आप। हाँ तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो, इसमें देखिए माता यशोदा तथा देवकी माता के वात्सल्य का वर्णन हुआ है। माता देवकी के नाम यशोदा माता एक संदेश भेजती हैं, जबकि श्री कृष्ण मथुरा में है, फिर भी उनका जो बचपन है वो ब्रज में व्यतीत हुआ है, इसलिए माता यशोदा देवकी के नाम एक संदेश भेजती है। माता यशोदा कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहे, हमारा इतना यह संदेश देवकी से कह देना। हाँ तो धाय तिहारे सुत की, वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, दया करत ही रही हो और मुझ पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि तुम उनकी आदतों को भली भांति जानती हो, तो मोही कही आवे फिर भी मुझे कहे आता है। प्रात होत मेरे ला